हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है। चैप्टर नंबर है 3 और चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज है 3G। इसका क्वेश्चन नंबर 22, 22nd क्वेश्चन है, इसको हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इवैल्यूएशन करना है, मतलब इनकी वैल्यूज निकालनी है जो नीचे एक्सप्रेशन दे रखे हैं। जो अब तक आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते आए हैं इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर भी होगा। तो अब जब कभी ऐसे बात आती है कि उस आइडेंटिटी का क्या इस्तेमाल है, तो जब कभी कैलकुलेशन में इस टाइप के सम्स आते हैं तो यहाँ इस्तेमाल होता है। और वो आइडेंटिटी क्या है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तो फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस तो इसके सॉल्यूशन को करते हैं लेट अस डू। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, -2 पावर 3 जो आपको स्टेटमेंट मिली हुई है, 7 पावर 3 प्लस 5 पावर 3। इसको एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कंपेयरिंग जो दे रखा है हमें, इसको नाम दे दिया मैंने कंपेयरिंग 1। ठीक है, नाम दिया मैंने 1 इसको। तो कंपेयरिंग 1 विद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो आपको मिलता है एक्स इज इक्वल टू -12। मतलब पावर 3 को छोड़ दीजिए, जो बच गया वो एक्स हो गया। इसी प्रकार से पावर 3 को छोड़ दीजिए, जो बच गया वो वाई होगा और नेक्स्ट जो है जेड होगा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू -12 हो गया, वाई इक्वल टू 7 हो गया और जेड इक्वल टू आपको मिलेगा 5। अब अगर आप तीनों को प्लस करें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपको मिलता है माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5। इसकी वैल्यू जब आप देखेंगे तो ये 0 आएगी, क्योंकि 7 प्लस 5 12 होता है और ये माइनस का 12 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xyz के। तो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, मीन मतलब -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई -12, क्योंकि एक्स की वैल्यू -12 है, इंटू में वाई की वैल्यू 7 है और फिर जेड की वैल्यू 5 है। मल्टीप्लाई करके देखें तो इसकी वैल्यू आती है 36, माइनस की 36, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 7 5 जा 35। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम इसमें कर देते हैं, 36 है 35 है, 5 6 जा 30 0 3, 5 3 जा 15, 15 and 3 18, 8 10। ओके, ये हो गया। फिर 3 6 जा 18, 3 को 6 से करें, 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 3 जा 9, 9 and 1 10। तो आपको मिलता है यहाँ पर ये 0 8 and 8 16, 1 जो है वो कैरी चला गया, 1 and 1 2, और ये 1 यहाँ पर आ गया, 1 2 6 0। माइनस का निशान भी साथ में आपको याद रखना है, वो भूलना नहीं है, 1 2 6 0 है, ये आपका आंसर हो जाता है। इसको करना कैसे है, कंपेयरिंग करके इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं, आपको सही अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। जब कभी ज़्यादा मार्क्स का हो तो थोड़ा उसे एक्सपेंड कर देते हैं, नहीं तो उसे आप तरीके से कर देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं बिल्कुल ही शॉर्टकट कर दें तो आपसे भी गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ फिर टीचर भी उसके मार्क्स काट लेते हैं। तो इसलिए तरीके से जितना सही है उस हिसाब से, आपको पता है कि अभी आप 9th क्लास में हो गए हैं तो वो करना है, जैसे टीचर कराते हैं वैसे आपको उतना तो करना ही चाहिए। तो अब आपको अगर ये जो
वीडियो पसंद आया और ऑब्वियसली ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है, तो आप वीडियो को कर दीजिए आप लाइक। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।